थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, एंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। मेरा नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आने से पहले, आज से 3 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया। आज यहाँ पर पीडी लेवल पर हूँ, 5 फिगर इनकम यहाँ से अर्न कर रही हूँ। 2 बाइक और 1 गाड़ी मोदी केयर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका है, घर खरीदने की तैयारी है। और बड़े सपने की बात करूं तो यहाँ से ब्लू कलर का चॉपर लेना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, यही वो बड़ा ड्रीम है जो मुझे यहाँ पर और ज्यादा काम करने के लिए उत्साहित करता है। आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स तहे दिल से। फेस्टिवल सीजन में हम बैठे हुए हैं, अक्टूबर पूरा मंथ आपका फेस्टिवल सीजन रहने वाला है, और उसी फेस्टिवल सीजन में आप खूबसूरत दिखें, आप बहुत खूब सुंदर दिखें, उसी के लिए आज ट्रेनिंग हम लोग करने वाले हैं। और जो आपको ये बताने वाली है, जो ये डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाने वाली कि कैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट के द्वारा आप और खूबसूरत लग सकते हैं, आपकी जिंदगी खूबसूरत बन सकती है, उनको बुलाने के लिए जा रही हूँ। आज हम करने वाले हैं फेस्टिवल मेकअप लुक डेमोन्स्ट्रेशन भी और उसके साथ ट्रेनिंग भी। तो क्योंकि अभी नवरात्रे जाके चुके हैं, करवा चौथ आने वाला है, लेडीज के लिए बेस्ट इवेंट है, एंड देन उसके बाद दिवाली एंड ऑल पूरा का पूरा अक्टूबर हमारा फेस्टिवल में जाने वाला है। ऐसे में हम खूबसूरत भी दिखे, हमारी पॉकेट भी खूबसूरत हो, उसी के लिए आज के लिए हमने ये ट्रेनिंग रखी है। तो फ्रेंड्स, एकदम अपना पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। और जो आज हमें ये ट्रेनिंग देने वाली है, रीजनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर है और बहुत बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से हमें सारी ट्रेनिंग आज तक देती हुई आई है। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच में वन एंड ओनली पिंकी अंसारी जी का, ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड ओवर टू यू। गुड मोदी क्या मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच एंड गुड मोदी क्या मॉर्निंग एवरी वन। सो इट्स गुड टू ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग एंड आई नो काफ़ी लोग एक्साइटेड है फेस्टिव सीजन को समझने के लिए, जानने के लिए कि इसमें हम कैसे अपने आप को रेडी कर सकते हैं, क्या लुक्स हम कैरी कर सकते हैं, क्योंकि फेस्टिव मूड ही ऐसा होता है, फुल ग्लिटर्स, फुल शिमर्स, ग्लो हर तरफ होता है, लाइट्स होती है हर तरफ। तो यस, हमारा फेस भी उतना ही ग्लैम लुक दे, इसके लिए आज हमने इस सेशन को प्लान किया है। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कुछ नया, कुछ एक्साइटेड लेकर आई हूँ। वैसे आज मैं फुल डे वर्कशॉप कर रही थी, बट रियली मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी इस मीटिंग को, तो दैट्स व्हाई आई एम विद यू टुडे और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आज आपको, जैसे लास्ट सेशन के मुझे काफी अच्छे फीडबैक्स मिले, काफी लोगों ने उस टिप को यूटिलाइज किया है। पहले तो जल्दी से बताओ कितने लोगों ने चैट बॉक्स में आपको अपडेट करना है, कितने लोगों ने हमारी मीटिंग्स लास्ट टाइम अटेंड की और उसका बेनिफिट लिया है, क्योंकि देखिए मेरे लिए मीटिंग का बेनिफिट तभी ज्यादा होगा, यूजफुल होगी, जब आप उसको ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, साधना का तो मेकअप हुआ था, वेरी गुड, साधना इज ऑनलाइन, अर्शिया ग्रेट ग्रेट, अर्शिया लास्ट टाइम भी थी हमारे साथ कनेक्टेड, लवली। बस दो लोगों ने रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं यार, मुझे लग रहा है कि मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ओके, तो कुछ लोगों ने इसका यूटिलाइजेशन शुरू किया है, दैट्स वंडरफुल कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे फील्ड में बहुत लोगों ने बताया कि मैम जो ट्रिप टिप आपने शेयर की थी, वाकई उस टिप से बहुत लोगों ने अपने फ्री प्रोडक्ट्स का कैसे यूज करना स्टार्ट कर दिया है, कैसे अपने टाइटल्स आप ग्रो कर रहे हैं, कैसे इस बार आपका अर्बन कलर का बास्केट साइज बढ़ गया है, डिमांड करने लग गए लोग और आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो रहा है। देखिए इसीलिए ये ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि जब हम आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं तो हम आपकी साथ ऐसी चीजें शेयर करें, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिससे सिर्फ आप मेकअप ना सीखे, सुंदर बनते हुए, देखो मेरा तो काम ही है, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी जॉब ही ऐसी है, खुद सुंदर बनो, लोगों को सुंदर बनाओ, इससे बढ़िया जॉब तो कुछ हो ही नहीं सकती। एंड यू ऑल आर लकी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ मोदी केयर, और मोदी केयर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि इतनी ब्यूटिफुल जो कलर कॉस्मेटिक कैटेगरी है अर्बन कलर लंडन, जिसकी हेल्प से आप अपने आप को इस फेस्टिव सीजन जितना ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं उन्हें खूबसूरत दिखने के लिए, उनके बिजनेस साइज को बिल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंटली, वो जो एंटरप्रेन्योर बनने का जो एक सपना होता है हर वुमेन का, हर पर्सन का, वो आप उनको दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मोदी केयर जो आपको करने में मदद कर रही है। चलिए आज की ट्रेनिंग के आगे बढ़ते हैं, और ट्रेनिंग में आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ, कुछ एक्साइटेड, हमारी न्यू लॉन्चेस की तरफ मैं क्विकली फोकस करने वाली हूँ। और आज की जो प्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट ऑन न्यू लॉन्चेस कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, पर उससे इम्पॉर्टेंट सबसे पहले, जैसे कि हमारा भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट आया प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, कितने लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है, मुझे पता चला है कुछ जगह तो ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया, कितने लोगों ने यूज किया प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, ओके काफी लोगों ने स्टार्ट कर दिया, हैंड रेज हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट
लोग यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो शेयरिंग की है। डेमो के लिए निकाले हैं प्रोडक्ट्स, ऑफर्स बहुत अच्छे आए हैं इस बार। लास्ट टाइम वाला ऑफर तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुआ है। ओके ओके, हैंड रेज हो रहे हैं काफी सारे, देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। यस एग्जैक्टली, तो अभी जो प्रिस्टीन ड्राई ऑयल है ये बेस्ट टाइम है, जो बिल्कुल सही टाइम पे कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। और दिस टाइम आप प्रिस्टीन ड्राई ऑयल की हेल्प को काफी तरह से इसको यूज करते हुए आप अपनी स्किन की ब्यूटी इनहांस कर सकते हैं। तो मैं उसको जब से आया, मैं तो हर मेकअप प्रोडक्ट में, स्किन केयर में ऐड कर रही हूँ, एवरी डे अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, स्किन बहुत सॉफ्ट लग रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है। आई एम श्योर आप भी ट्राई करें। जो रिंकल्स आते हैं ना विंटर्स में, हाथ खराब लगते हैं, मैं तो हाथों पे भी लगा लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी फील मिलती है हाथों पे, रफनेस नहीं लगती है, वो जो रिंकल्स आपके हाथों पे दिखाई देते हैं, क्योंकि आप इस बिजनेस में हो, जब आप दूसरों पे डेमो करते हो और आपके हाथ पे रिंकल्स दिखे, मजा नहीं आती, स्किन देख के अच्छी नहीं लगती है, तो आप हाथों पे भी लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके से यूज करने के। बट लेट्स सी व्हाट आर द की बेनिफिट्स, क्यों हम इसे यूज करें, इसका यूज किस एज से शुरू किया जा सकता है, व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट इट कंटेन्स, ताकि आप लोगों को जब भी शेयर करें इसे प्रमोट कर सके। सो एज वी सी, जब सीजन बदलता है, मौसम बदलता है, तो मौसम के बदलाव की वजह से कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हम फेस करते हैं। जैसे गर्मियों की बात करें, गर्मियों में क्या होता है, जब आपके बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो आपका स्किन बहुत जल्दी चिपचिपा होने लगता है, ऑयली होने लगता है, मेकअप करने का मन नहीं करता है, स्किन इतनी ज्यादा शाइन करती है, पोर्स एनलार्ज दिखने लगते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। वैसे कि अब जो आने वाला सीजन है, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ऑयल का नाम बिल्कुल, आपको थोड़ा बहुत भी ऑयल नहीं बनता स्किन के अंदर, इतनी ज्यादा ड्राइनेस होती है कि फेस पे, हाथों पे, पैरों पर हमें रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। कारण सर्द हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन का वाटर लॉस होने लगता है, टॉक्सिन्स अक्यूमुलेशन होना, आपकी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो कम बनने लगते हैं, फ्री रेडिकल डैमेजेस होती हैं, यूवी रेज है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारी स्किन की डलनेस को बढ़ा देता है, स्किन की रिंकल्स को इनहांस करता है, आपकी आपकी जो पिगमेंट वी कैन से जो एजिंग है वो फास्ट हो जाती है। सो प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, जो कि एक सीक्रेट है आपकी ग्लोइंग हेल्दी स्किन का, जो अब आपके लिए भी अवेलेबल हो गया है मोदी केयर में, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन के मॉइस्चर की रिटेंशन बढ़ा सकते हैं। हम सब क्रीम लगाते हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस अगर किया हो, जब भी क्रीम लगाते हैं थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा लगता है कि क्रीम की जरूरत है, थोड़ी देर बाद हमें लगने लगता है हमारे हाथ फिर से ड्राई हो चुके हैं। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि मौसम ऐसा है, विंटर्स में हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि बार बार हमें क्रीम की जरूरत पड़ती है, फेस पे जरूरत लगती है, हाथों पे जरूरत पड़ती है, तो कारण मॉइस्चर रिटेन नहीं हो पाता है स्किन का। जिसे रिटेन करने के लिए और अपने हेल्दी ग्लो को मेंटेन करने के लिए आप प्रिस्टीन ड्राई ऑयल की ऑयल को यूज करते हुए, जिसे वर्सेटाइल ऑयल भी कहा जाता है, यस ये एक फर्स्ट वर्सेटाइल फेस ऑयल है स्किन केयर प्रोडक्ट रेंज में, जिसे हमने लिया है के ब्यूटी कोरिया से। सो ये एक क्विक अब्सॉर्बिंग ऑयल है। एनीवन जिसने यूज किया अभी तक, थोड़ा सा मुझे बताइए इसका टेक्सचर आपको कैसा लगा है, कैसा फील देता है जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इससे पता चल जाएगा वाकई हमने यूज किया है या नहीं किया है। जल्दी से बताइए कैसा फील आपको मिलता है जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो। मैं अपना सीक्रेट बताऊं, मैं इस प्रोडक्ट से आजकल फेशियल्स कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल हमने फेस्टिव फेशियल सेशंस करने शुरू कर दिए हैं ऑफलाइन, हमारे एमएससीज में, होम मीटिंग्स में, काफी सारे हमने फेस्टिव फेशियल्स किए हैं, जहाँ पे इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग आया है दैट आई डोंट थिंक आपको इसके बाद किसी क्रीम की जरूरत होने वाली है। तो अभी तक अगर मैं रिप्लाई देखूं मुझे नहीं मिल रहे, इट मींस कि अभी हमने ट्राई नहीं किया है, या हम मैं लिख कहना नहीं चाह पा रही रहे हूँ, हैं एकदम सफल एंड तो। सॉफ्ट हो जाती है स्किन, और एकदम मॉइस्चर इतना सारा होता है कि मजा आता है उसको लगा करके, हाथ पर लगा करके बहुत अच्छा लगा। करेक्ट, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस फीडबैक। एग्जैक्टली, जब आप इसे यूज करते हैं ये क्विकली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, बिना आपकी स्किन को स्टिकी किए आपकी स्किन में अब्सॉर्ब होकर आपकी स्किन में इतना लाइट वेट फील होगा कि लगेगा ही नहीं आपने कोई ऑयल यूज किया है। बहुत तरह के ऑयल हम देखते हैं, अगर आप देखो कोकोनट ऑयल भी है एक तरफ, मस्टर्ड ऑयल भी है जो हम अक्सर फेस पे लगाते आए हैं, कोकोनट ऑयल हमने अब तक यूज किया है, टी ट्री ऑयल हमने यूज किया है, बट आपने कभी भी देखा ऑयल में टेक्सचर्स में डिफरेंस होते हैं। अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करो, सबसे ज्यादा स्टिकी ऑयल हमें मस्टर्ड ऑयल लगता है, सबसे लाइट ऑयल हमें टी ट्री ऑयल लगता है, हमारा नरिश ऑयल है, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स जो बहुत लाइट भी होते हैं और कुछ स्टिकी होते हैं। दिस ऑयल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑयल, ये एक लाइट वर्सेटाइल ऑयल है जो आपकी स्किन में अब्सॉर्ब होकर आपकी स्किन पे एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करता है,
जिससे कि आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको ये लॉक कर देता है और जो स्किन की जरूरत भी होती है। तो इससे आपका फेस काफी ज्यादा रेडियंट लगता है, क्योंकि जब मॉइस्चर अच्छा रहेगा स्किन के अंदर तो नेचुरली ग्लो अच्छा होगा, स्किन एनर्जाइज रहती है, स्मूथ लगती है बहुत ज्यादा स्किन। तो ये क्लीन ब्यूटी प्रोमिसेस के साथ है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इसमें कंटेन है और ये मॉइस्चर बूस्टिंग ट्रीटमेंट्स है। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि इसको कैसे यूज करना है, आज हम डेमो करके दिखाएंगे तो आपको इसका एग्जैक्टली रिजल्ट दिखेगा। नाउ इसमें मॉइस्चर बाइंडिंग ट्रीटमेंट्स हैं इसके फीचर्स, जो काम क्या करते हैं आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके उसे सील करके स्किन को स्मूथ एनर्जाइज और रेडिएंट मेंटेन करता है। वर्सेटाइल मल्टी यूज ऑयल है एंड वर्सेटाइल फेस ऑयल है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ के ब्यूटी कोरिया। इंस्टेंटली इंस्टेंटली आपकी स्किन में ये ऐड होकर आपके हाइड्रेशन को बूस्ट करता है, आपके मॉइस्चर के रिटेंशन को बढ़ाता है। इंस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन के साथ है, मतलब आपने अप्लाई किया इमीडिएट आपको इसका ग्लो दिखता है और इसका लास्ट जो है लंबे समय तक रहती है। ये लाइट वेट टेक्सचर के साथ है, कंफर्टेबल रहेंगे आप इसको लगाकर पूरा दिन। तो यस, आप इसे दिन में भी यूज कर सकते हैं, रात के समय भी यूज कर सकते हैं, अपने स्किन केयर में ऐड करके या फिर अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी आप ऐड करके यूज कर सकते हैं। वेरी लेस क्वांटिटी वी हैव टू टेक। अगर टेक्निकली देखें, फॉर्मुलेशन की बात करें, एडवांस फॉर्मुलेशन है विच इज टेस्टेड बाय एक्सपर्ट्स स्पेशली फॉर इंडियन स्किन टोन, क्योंकि इंडियन स्किन में हर चीजें इजिली सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं। बट ये प्रोडक्ट इंडियन क्लाइमेट के लिए परफेक्टली सूटेबल है, इसके कंटेंट्स मेड इन कोरिया है और ये फॉर्मुलेशन बेंचमार्क है फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टीजियस ब्रांड और ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो आप लोगों को बता सकते हैं। पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे इसमें फ्रुक्टन यूज किया गया है, अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स यूज किया है, तो फाइनली हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया जिसमें आपको मिलता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन की फॉर्मनेस, फ्रेशनेस और एक यूथफुल लुक के लिए जानी जाती है। और इसके साथ साथ इसमें BBNMF मतलब नेचुरल मॉइस्चरिंग फैक्टर, आपने देखा होगा बच्चों की स्किन सबसे हेल्दी स्किन होती है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो अच्छा रिटेन होता है। इसमें भी हमने सेम फॉर्मुलेशंस ऐड किए हैं जिससे कि आपको एक बेबी स्किन मिलती है आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। क्लीन ब्यूटी प्रोमिसेस मतलब ये पैराबेन फ्री है, कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स, फ्रेग्रेंस, एलर्जीज या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है जो आपकी स्किन को फर्दर एलर्जिक कर सके, रिएक्ट कर सके। अल्कोहल फ्री है कंप्लीटली, 100% वेजिटेरियन एंड क्रुएल्टी फ्री है, पीटा सर्टिफाइड है, कोई एनिमल, किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया है, सारे प्रोडक्ट्स ह्यूमन टेस्टेड है, सेफ टू यूज है। यूज कैसे करना है प्रिस्टीन ड्राई ऑयल को, आप अच्छे से अपना स्किन केयर करते समय क्लेंजिंग करें, टोनर अप्लाई करें, जैसे आप बाकी सीरम्स लगाते थे वैसे ही आप सीरम की जगह अगर चाहें तो वर्सेटाइल फेस ऑयल यूज कर सकते हैं, प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। आप इसे टोनर की तरह जैसे वन ड्रॉप ऑफ फोरहेड दोनों चीक्स पे एक एक ड्रॉप लेकर अप्लाई करें, इसको आप अच्छे से अब्सॉर्ब करें, देन इसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर आपको लगता है टाइम का इश्यू है, इतना टाइम नहीं है, तो क्विकली आपको क्या करना है, अपने सिरम को अप्लाई करने के बाद ऑयल को आप किसी भी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइजर में जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आई हैव ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट का वो मॉइस्चराइजर है। इधर आई कैन यूज प्रिस्टीन ड्राई प्रो वाइट, मैं प्रो वाइट जैसे लोशन यूज कर रही हूँ, प्रो वाइट लोशन में आपने एक ड्रॉप एक मॉइस्चराइजर पंप लिया और उसमें एक ड्रॉप आप प्रिस्टीन ड्राई ऑयल की मिक्स करके यूज करें। बहुत लोग हमारे ब्लू लाइट के यूजर्स हैं, ब्लू लाइट मॉइस्चराइजर जो है ये एक हाइड्रेटिंग बेस्ड मॉइस्चराइजर है। हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर दिस ब्लू लाइट हैज ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, जो आपको ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन देती है। ये मॉइस्चराइजर विदाउट एसपीएफ है और ये हाइड्रेशन के लिए तो बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइजर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब इस मौसम में हम आते हैं जहां ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है स्किन पे, तो आपका स्किन इससे अप्लाई करते समय ड्राई ना लगे, इसमें आप एक प्रिस्टीन ड्राई ऑयल का ड्रॉप ऐड करके इससे डायरेक्ट मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ब्लू लाइट। तो मॉइस्चराइजर भी यूज करें, अपने स्किन केयर में ऐड करें। देन इसके बाद अगर कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं तो आप अपने कॉस्मेटिक फाउंडेशंस में, बीबी क्रीम्स में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, प्राइमर में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वे टू यूज। और यस, आप इसे सिर्फ अपने फेस स्किन पे नहीं, आई एरिया लिप पर भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे आई एरिया की स्किन बहुत जल्दी
कंप्लीटली ड्राई हो जाती है, रिंकल्स बहुत ज्यादा विजिबल होने लगते हैं, तो आप थोड़ा सा ड्रॉप लें अपने हाथ पे और हल्की हल्की मसाज आप अपने आंखों पे करें, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो यस, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और इससे रिलेटेड बिजनेस कैसे बिल्ड करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, नवंबर, दिसंबर, जन, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, और अगर दिल्ली वाले हो आप तो आपको पता है जबरदस्त ठंड मिलती है हमें इस मौसम में। तो ऐसे सर्द मौसम में जहां आपकी स्किन का मॉइस्चर बहुत जल्दी लूज हो जाता है, आप उसकी रिटेंशन के लिए इस प्रोडक्ट को अपने किट में जरूर ऐड करें। जस्ट वन ड्रॉप, एक चुटकी, एक बूंद, मतलब आपको कितना कमाल का बिजनेस देगी आप सोच भी नहीं सकते। सो सो वंडरफुल। तो कल मैं जयपुर में थी और मैंने इसका डेमो किया फेशियल्स के लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, लोगों ने इसका ऑर्डर भी दिया है। आज हमने वर्कशॉप में इस प्रोडक्ट को यूज किया और लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो जैसे ही आप इसको डेमो दिखाते हैं ना, लोगों को इसका रिजल्ट समझ में आ जाता है। नॉर्मली हमें ड्राई ऑयल को लेकर या किसी भी ऑयल को लेकर जो परसेप्शन है कि ऑयल चिपचिपा बनाती है स्किन को, वो कंफ्यूजन, वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो प्राइस की अगर बात करें, क्योंकि हम बिजनेस भी करते हैं और अपनी ब्यूटी भी मेंटेन करते हैं, तो प्राइस जान लेते हैं। इसका कंसल्टेंट प्राइस जो है ये आपको पड़ रहा है 1215 रुपीज का, जिसपे पीवी बहुत ही अमेजिंग मिल रहा है, 26.74 पीवी आपको मिल रहा है, बीवीस पे आपको मिल रहा है 721.91, और 30 ml का प्रोडक्ट है। 3 महीने तक तो आराम से आप इसे यूज कर ही सकते हैं। कुछ एफएक्यूज आते हैं लोगों के काफी ज्यादा कि ये ग्रीसी फील तो नहीं देगा, तो बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं देगा, वो चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं लगेगी, आपके फेस में बहुत अच्छे से ये अब्सॉर्ब हो जाती है। काफी लोग पूछते हैं कि हम इसको कैसे यूज करें और कब यूज कर सकते हैं, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यस, लेट मी टेल यू, जो ये हमारी स्किन है, इसको हेल्दी मॉइस्चर बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है कि वो ड्राई ना हो स्किन। अगर आपकी स्किन टूवर्ड्स ड्राई होगी तो ब्रेकआउट्स होंगे, फाइन लाइंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, रिंकल ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपकी जो एनवायरमेंटल डैमेजेस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपना मॉइस्चर अच्छा रखें स्किन में, और उसमें आपको मदद करता है प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। और इसे आप फेशियल ऑयल को आप हार्मफुल पोल्यूटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसको डेली रूटीन स्किन केयर में यूज कर सकते हैं, फेशियल के दौरान आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें जो ऑयल, एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, मिमिक, जो कि आपकी स्किन की एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो हमारी स्किन की जरूरत होती है उसको मेंटेन करता है। इसमें हाई लेवल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमारी स्किन की नरिशमेंट को लॉक करती है, और एसेंशियल फैटी एसिड्स हम सब जानते हैं कितना जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, जो हमारी ब्यूटी को मेंटेन करता है, रिंकल से स्किन को प्रोटेक्ट करती है। सो इसमें मिमिक यूज किया गया है, दैट यूनिक हाई लेवल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये ऑयल यूज करें तो क्या हम मॉइस्चर को रिप्लेस कर दें? आई वुड सजेस्ट कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मॉइस्चराइजर के अपने फायदे होते हैं और प्रिस्टीन ड्राई ऑयल का अपना एक फायदा होता है। मॉइस्चराइजर में प्रोटेक्शंस होते हैं, मॉइस्चराइजर में ट्रीटमेंट्स होते हैं, और ये मॉइस्चराइज भी करती है स्किन को। तो ट्रिपल बेनिफिट्स होते हैं आपके मॉइस्चराइजर्स में, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट और मॉइस्चराइजेशन। वेदर आप अगर प्रिस्टीन ड्राई ऑयल की बात करें, ये एक नरिशमेंट ऑयल है जिसका काम आपके मॉइस्चर को लॉक करना है। ये ट्रीटमेंट नहीं देगा। आप कोई कहता है मुझे पिगमेंटेशन है, तो सिर्फ ये लगा के मैं पिगमेंटेशन ठीक नहीं कर सकती, बट यस, अगर इसको प्रो वाइट के साथ मैं यूज करना शुरू कर दूं, मेरी पिगमेंटेशन भी लाइट होगी और मेरी स्किन का मॉइस्चर भी बैलेंस रहेगा। तो मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत जरूरी है मॉइस्चराइज करना स्किन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एज से यूज कर सकते हैं? तो ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। अगर आप नोटिस करें, अगर अपनी स्किन के को ही लेके हम कनेक्ट करें, तो मोस्टली जो हमें ड्राइनेस या जो रिंकल्स की प्रॉब्लम्स आती है, जिनकी भी बहुत ड्राई स्किन है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले बिल्कुल भी रिस्क ना लें। दिस इज अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉर सर्टन एज ग्रुप। जैसे 28 साल के बाद से हमारी एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है, हमारी स्किन पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा दिखने लगती है, तो उसको हील करते हुए आपकी मॉइस्चराइजेशन को बढ़ाता है प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। और व्हाट रिजीम आई फॉलो वाइल यूजिंग दी प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, तो प्रिस्टीन ड्राई ऑयल के लिए कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। आप जो नॉर्मल सीटीएम करते हैं, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, या तो आप टोनर के बाद मॉइस्चराइजर से पहले डायरेक्ट भी चेहरे पे लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, जस्ट ऐसे लिया और डायरेक्ट आपने फेस पे ले लिया प्रोडक्ट, और या फिर आप इसे अपने क्रीम या किसी भी लोशन में
मिक्स करके अपने डेली रिजीम में सुबह और शाम के समय यूज कर सकते हैं। ये कितने दिन चलेगी? 3 महीने आराम से ये प्रोडक्ट चलता है। अगर आप दो बार भी लगा रहे हैं पूरे दिन में सुबह और शाम, और दो दो ड्रॉप भी लगा रहे हैं, तब भी इट विल लास्ट फॉर 3 मंथ्स। तो इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट, यूज इट, फील इट, और लोगों के साथ इसे शेयर भी करो। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रिस्टीन ड्राई ऑयल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। नाउ लेट मी इनवाइट माय मॉडल, क्योंकि आज हम पूरा मेकअप पे फोकस कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स नए आए हैं और प्रिस्टीन ड्राई ऑयल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो गिव मी मिनट प्लीज। ओके, तो जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था, हमने एक मॉडल के ऊपर किया था, क्योंकि हर बार आप मेरे ऊपर मेकअप करते हुए देखते हो, तो मैंने सोचा हर बार आपके लिए एक नए नए फेसेस लेकर आए और आपको हमारे प्रोडक्ट्स का टच एंड फील दे। तो शी इज कंचन, हमारी कंपनी की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, सीआरएम है, सीएसओ, जो आपको हमेशा मदद करती है बिलिंग्स के लिए, रजौरी ऑफिस में बैठती है। तो आज मैंने इसको जबरदस्ती पकड़ा है कि नहीं, आज आपके ऊपर हम डेमो करेंगे। सो यू कैन से हाई टू एवरीवन। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग हम मॉर्निंग, गुड हमेशा मॉर्निंग। करती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट ऑन हर। जैसे कि आप देखिए, इनका फेस मैंने अच्छे से क्लीन करवा दिया है गोग्लो प्रोडक्ट से, फेस वॉश कर लिया है, इन्होंने मेकअप पहले से यूज किया हुआ था। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं विद टोनर। क्लेंजिंग कंप्लीट हो चुकी है, सो टोनर के लिए मैं अभी यहाँ पर यूज कर रही हूँ हमारा रेड ऑब्सेशन हाइड्रेटिंग मिस्ट। सिंपली स्प्रे करना है फेस पर, देन इसके बाद शी हैज लिटिल ड्राई फेस, तो मैं यहाँ पे सिरम की जगह यूज कर रही हूँ प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। तो अगर ड्राई स्किन वाली आपकी स्किन टाइप है तो आप इसमें डायरेक्टली से यूज कर सकते हैं। जस्ट वन ड्रॉप, आई शो यू ऑल द वे जिससे कि आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड देन आउटवर्ड आपको इसे अप्लाई करना है। उसी एकदम से लगाते हैं फेस पे, हल्का सा ग्लो दिख रहा है। नेक्स्ट में से यूज कर रही हूँ प्रो वाइट लोशन। मॉइस्चराइज करने के लिए और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा स्किन को। तो एसपीएफ कंटेंट इसमें आपको SPF 15 मिलता है, जिससे कि आपकी स्किन में जो यूवी रेज होती है, जिससे हमारी स्किन डैमेज होती है, उससे आपको ये प्रोटेक्शन देती है। और ड्रो वाइट की रेंज हमारी स्पेशली पिगमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, तो जिनके भी चेहरे पे डार्क पैचेस हो जाते हैं, स्पॉट्स बनने लगते हैं, फ्रेकल्स, तिल के निशान हो जाते हैं, या फिर अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डिसकलरेशन, पिगमेंटेशन हाइपर है, तो आप प्रो वाइट का वॉश पूरा रेंज यूज कर सकते हैं। इसका सिरप ऑल स्किन टाइप के लिए, इसकी डे क्रीम ड्राई स्किन के लिए, और जो लोशन मैंने यूज किया है ये आप स्किन और ऑयली स्किन को दे सकते हैं। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना मेकअप। सो मेकअप में सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम यूज करें दैट इज प्राइमर। सो दिस प्रो सेल्फी प्राइमर हमारे स्किन की जितने भी जो अनइवन कंडीशंस होती है, जैसे हमारी स्किन जो है ये कहीं पे रफ लगती है, कहीं पे हल्की लाइंस आ जाती हैं, कहीं पे आपको छोटे छोटे ब्रेकआउट्स निकलते हैं, टाइनी बम्प्स निकल जाते हैं, फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, तो मेकअप आपका अनइवन हो जाता है। सो अनइवन टेक्सचर को पहले हम स्मूथ बनाते हैं और अपना मेकअप लंबे समय तक स्टे करें, इसके लिए हम यूज करते हैं प्राइमर। प्राइमर का काम जो स्किन केयर आपने किया है, अब इसके ऊपर जो मेकअप आप करेंगे उसके बीच में ये एक बैरियर बना देता है, तो प्रोटेक्टिंग बैरियर के लिए हम यूज करते हैं प्राइमर। ये ट्रांसपेरेंट कलर में है, कोई इसका कलर आप देखें तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस वी कैन सजेस्ट फॉर ऑल स्किन कलर, ऑल स्किन टाइप, हर स्किन पे आप इसे दे सकते हैं। और मेकअप आपका नीचे की तरफ आपने प्राइमर
प्रोडक्ट का यूज करना है फेस पर आउटवर्ड। तो मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो इसके लिए आपका मेकअप स्मूथली ब्लेंड होना चाहिए। आपका प्राइमर अच्छे से अपने आई एरिया लिप एरिया यूज करें। वी आर डन विद प्राइमर एप्लीकेशन। लास्ट के बाद हम यूज करेंगे हमारा न्यू फाउंडेशन, बट उससे पहले थोड़े थोड़े कंसीलर की नीड है आपके फेस पे और इसके लिए मैं यहाँ पे शेड ले रही हूँ। कंसीलर फाउंडेशन जो है इसमें आपको चार कलर्स मिलते हैं। आई शो यू ऑल द शेड्स। तो ये फोर कलर्स है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको स्क्रीन पे ये प्रॉपरली विजिबल है तो इसमें किसी में आपको कुछ अलग टोन दिखाई देता है, अलग शेड्स दिखाई देते हैं। Yes, ma'am. अगर आप इसमें देखें, सबसे ये एक डार्क शेड है आमंड, ये नंबर फोर है, जिसको आप अपनी जो डीप डार्क सर्कल्स है, जैसे कंचन की आंखों पे इतनी ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो आमंड हम स्किप कर सकते हैं। बट आमंड का यूज मैं आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ कंसीलर के लिए नहीं है बल्कि आप इसे कॉन्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्टोरिंग करनी है, आपके फेस की शेप बहुत ज्यादा आपको इनहांस करना है अच्छे से, तो कॉन्टोरिंग हम कहाँ करते हैं, ये दिस पार्ट दिस एरिया, ये जो हमारी जॉ लाइन है इसके जस्ट इसको शेप करने के लिए, नोज के साइड कॉर्नर्स को करने के लिए यहाँ पे हम इस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पाउडर कॉन्टोरिंग करना चाहें तो हमारा पाउडर हाईलाइटर एंड कॉन्टोर किट भी यूज कर सकते हैं। दिस वन, देयर आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर कॉन्टोरिंग। नेक्स्ट कलर इसमें अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा पिंक साइड में है, इफ यू सी कलर। यस मैम। सबसे ज्यादा येलो कौन सा दिख रहा है ये बताइए। फर्स्ट वन मैम। फर्स्ट वन इज मोर येलो, दैट इज मोर ब्राइट। यस। सी अगेन, बाकी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं प्लीज चैट बॉक्स में एक्टिव रहो ताकि मुझे पता चले। नंबर टू करेक्ट, बिल्कुल यस, ये है नंबर टू जिसका शेड नंबर थ्री स्पाइस। अभी कैसे पता चला कि इसमें येलो है? येलो टोन जो होता है इंडियंस में मोस्टली आप देखेंगे येलो टोन स्किन होती है, वॉर्म स्किन जिसे हम कहते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल दें, इंडियंस पे गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लगती है या सिल्वर? गोल्ड। गोल्ड अच्छी लगती है। तो अगर आपकी बॉडी आपकी स्किन टोन के साथ गोल्ड ज्वेलरी मैच कर रही है, इट मींस कि आपका वॉर्म स्किन टोन है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप कंसीलर स्टिक का शेड नंबर थ्री स्पाइस लें। बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, तो जितने भी लोग अपनी अंडरटोन से मैच करता हुआ कल फाउंडेशन यूज करना चाहते हैं तो आप कंसीलर स्टिक नंबर थ्री मेंशन कर लें स्पाइस, ये आप यूज करेंगे। अब मैं इसे कंसीलिंग के लिए यूज कर रही हूँ। आई एरिया हल्के हल्के डार्क सर्कल्स है एंड दिस एरिया। आप कंसीलर स्टिक को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी वाला मेकअप करना है आप इसको पूरे फेस पे लगा लो, आपका फाउंडेशन लग जाएगा। बट क्योंकि हमारे पास और भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं फेस बेस, तो मैं सिर्फ कंसीलर को अभी के लिए एज कंसीलर यूज कर रही हूँ। तो हल्की डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ज्यादा कवरेज की नीड नहीं है। बट यस, जिनको कवरेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपकी फ्लॉलेस स्किन है, तो आप कंसीलर स्टिक को स्किप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे प्रोसेस हमें हर स्किन पे करने की नीड है। कंसीलर स्टिक में आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, तो इसमें आपको SPF 30 प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे कि आपकी स्किन विद मेकअप भी प्रोटेक्टेड रहती है। तो जिनकी स्किन पे बहुत जल्दी टैनिंग प्रॉब्लम्स होती है, आप अपने पास हमेशा कंसीलर स्टिक रखें करेक्शन के साथ साथ। अब यहाँ पे देखिए हल्के हल्के स्पॉट्स है, मैं इसे भी करेक्ट कर रही हूँ। तो सिर्फ लगा रही हूँ प्रोडक्ट को, पूरी तरह से ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ इसको हल्के हल्के हाथों से आपने ब्लेंड किया एंड देन लिक्विड। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ ये अनदर हमारा न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, और जैसे कि मैम की अंडरटोन येलो है, उनपे येलो टोन के मेकअप परफेक्टली सूट कर रहे हैं, तो अभी जो फाउंडेशन है मैं शेड यूज करूंगी, इट्स नंबर वन पेल बिस्कॉट है, और इसका शेड यहाँ पे आप देखोगे ये मेंशन है। तो बहुत लोग शेड का नाम नहीं जान पाते, ये दिस पेल बिस्कॉट है, इसमें आपको फाइव कलर्स मिलते हैं। तो इफ यू हैव पिंक स्किन टोन आप इसका शेड नंबर फोर रोजवुड यूज करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास डार्क स्किन के लिए, मीडियम स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए, हर स्किन टोन के लिए फाइव कलर्स है। कंचन के लिए मैं शेड यूज कर रही हूँ नंबर वन पेल बिस्कॉट है, और इसे अप्लाई करने के लिए तो लेट मी
टेक दिस प्रोडक्ट फर्स्ट, दिस मच इसको लेकर इसमें आप ऐड करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो फाउंडेशन है, क्योंकि ये हाइड्रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन है, सो हाइड्रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन समर्स में तो बहुत अच्छे से सूट कर जाती है स्किन को, क्योंकि गर्मियों में ऑयल बहुत आता है, बट समर विंटर्स में हमारी स्किन इतनी ऑयली नहीं रहती है, स्किन ड्राई होने लगती है। तो आप ये देखिए बहुत स्मूथली ये प्रोडक्ट ब्लेंड हो गया। और फेस्टिव मेकअप कर रहे हैं तो इसमें एक और प्रोडक्ट मैं ऐड करने वाली हूँ, दैट इज आवर इल्यूमिनेटिंग लोशन। ये ग्लो के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो जस्ट इल्यूमिनेटिंग लोशन भी ऐड किया और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, कंप्लीटली फाइन। और अब इसे अप्लाई करने के लिए आप फेस पे प्रोडक्ट लें और इसे ब्लेंडर से ब्लेंड करें। सो लेट मी यूज विद दिस। तो ये आपका ब्यूटी स्पंज, जिसको मैंने पहले से ही वेट करके सॉफ्ट कर लिया। आप भी जब ब्लेंडर यूज करें अच्छे से पानी के नीचे, रनिंग वाटर के नीचे इसको टैप करते रहें और पूरा एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज करके इसे आप ब्लेंड करें। मैं इसका भी वन साइड आपको कवरेज दिखाती हूँ ताकि आप प्रोडक्ट में डिफरेंस देख सके इसकी कवरेज कैसी है। वैसे ये प्रोडक्ट आपको जो कवरेज देता है नॉर्मल टू मीडियम कवरेज, मतलब एक नेचुरल मेकअप लुक अगर मुझे कैरी करना है एवरी डे और बहुत ज्यादा कवरेज नहीं चाहिए तो आप हाइड्रेटिंग मैट, हाइड्रा मैट फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। इफ यू सी बोथ दी साइड, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सके जिसमें दोनों साइड में एक हल्की से हमने कवरेज ऐड की। हाइड्रा मैट फाउंडेशन में आपको 5 शेड्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ ये सारा पूरा जो फाउंडेशन रेंज है, स्पेशली जिनकी स्किन बहुत जल्दी शाइनी और स्किन पे बहुत जल्दी ऑयल आता है, मॉइस्चर बहुत जल्दी आता है आपके फेस पे, उनके लिए ये बेस्ट फाउंडेशन है। बट अगर आप ड्राई स्किन पे भी इसे यूज करना चाहें तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूज किया है, स्किन ड्राई ऑयल ऐड करके इसमें थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग लोशन ऐड करें तो आपके फेस पे जो रेडियंस है वो बहुत अच्छा आता है विद हाइड्रा मैट फाउंडेशन। और जस्ट मैंने अभी नॉर्मल बेस की तरह ही अप्लाई किया है। इफ यू वांट टू ऐड बेज लाइट एक्सपर्ट फर्म तो ये भी अब स्टॉक में है और ये बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट है स्पेशली फॉर विंटर सीजन। तो अगर आपको लिक्विड मेकअप करना है तो आप ये एक्सपर्ट फर्म भी यूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी और कवरेज ऐड कर देती हूँ, लेट मी ऐड एक्सपर्ट फॉर्म ऑल्सो थोड़ा सा। इसका फिनिश बहुत ही अमेजिंग है तो हल्का सा मैं ले रही हूँ प्रोडक्ट ताकि और अच्छी कवरेज मैं बिल्ड कर सकूँ। शाम का मेकअप है, शाम के मेकअप में हमें अच्छी कवरेज की नीड होती है, तो जितना आप फाउंडेशन की लेयर अच्छी लगाएंगे मेकअप उतना ही बेस फ्लॉलेस होगा। एक्सपर्ट फॉर्म आपका हाइलुरोनिक एसिड बेस है, इसमें आपको यूवी फिल्टर्स मिलते हैं जो आपकी स्किन को सनलाइट से, यूवी लाइट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और 3 डिफरेंट शेड्स में आते हैं। फाउंडेशन एप्लीकेशन अब इसके बाद हम यूज करेंगे हमारा रीलॉन्च अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट जो इस पैकेजिंग में आपको मिल रहा है। अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट ऑल टाइम फेवरेट होता है सभी का, क्योंकि ये एक पाउडर बेस्ड मेकअप है और पाउडर मेकअप आपकी जो पोर्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, आपके पोर्स ज्यादा दिखाई नहीं देते, उनको मिनिमाइज कर देता है। सो मैं यहाँ पे पाउडर से अप्लाई करी ताकि स्किन पे बहुत ज्यादा पाउडर ना करें। एंड स्पेशली जो ड्राई स्किन वाले हैं, रिमेम्बर कि आपका स्किन बहुत पाउडरी ना लगे, उसको बहुत लाइट पाउडर के साथ एंड जस्ट हल्का सा आप स्वाइप कर दें। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हमारा
मेकअप जिसमें आपको गोल्ड अगर ऐड करना है, क्योंकि अभी गोल्ड सीजन चल रहा है, ग्लिटर्स ज्यादातर रहते हैं, तो वी हैव दिस टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. वन इज आई पेंसिल जो लगाना काफी इजी भी है, अनदर हमारे पास ये स्टारडस्ट आई शेडो. मैं दोनों को ही अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसकी इंटेंसिटी और अच्छी हो जाए, कवरेज और अच्छी मिले. तो फर्स्ट हम यूज करेंगे दिस कलर्ड पेंसिल. आप इसे शार्प करके ही यूज करें, और जैसी भी लाइन ड्रॉ करनी है अनइवन, जैसे हम ड्रॉइंग करते थे ना बचपन में कि बस कुछ भी लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन हाँ इसकी एक गाइडलाइन है, तो वो साइड में जो लाइंस होती है तो कहाँ तक मुझे ये कलर लगाना है. आपकी जो ये क्रीज लाइन है ओपन इट, तो जब आप अपनी आईज पे प्रोडक्ट लगाते हैं, सी दिस, ये हमारी क्रीज लाइन है. इस क्रीज लाइन के अंदर मुझे प्रोडक्ट को रखना है, इससे बाहर नहीं जाना है आपको. तो आप क्रीज लाइन तक प्रोडक्ट ले और इसे फिल कर दे. एंड देन एक सॉफ्ट ब्लेंडिंग ब्रश से सिर्फ एज पे जो मैंने क्रीज लाइन तक प्रोडक्ट को लगाया है उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, सिर्फ क्रीज लाइन में. और ये और डीप दिखे इसके लिए आप ये जो हमारा हाइलाइटर एंड कॉन्टोर किट है, इसका ब्राउन शेड सिर्फ टिप पे लेकर आप अपनी क्रीज को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. तो ये बहुत ही नाइस शेड है ब्राउन, जिसे आप बहुत सारी चीजों में वेरियस मेकअप लुक में यूज कर सकते हैं, क्रिएटिव लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट एडिंग ऑन दी क्रीज लाइन ताकि एक अच्छी क्रीज मैं बिल्ड कर सकूं आंखों पे. ये दिस आई एंड दिस आई हैज अ ह्यूज डिफरेंस. ये ज्यादा बिगर लग रही है, डेप्थ क्रिएट हो चुकी है. चलिए दूसरे आई को कंप्लीट करते हैं. तो जिन्हें मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, भी बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये एक इजी और सिंपल मेकअप है, जिसे आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस करके, एक दो दिन लगेंगे बस प्रैक्टिस कीजिए, और आप इस मेकअप को खुद अपने आप कर सकते हैं. यू डोंट नीड एनी एक्सपर्ट फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट. और करवा तो होता है, भीड़ इतनी होगी आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, लाइन लगती है मेकअप के लिए. तो खुद करो मेकअप यार, आपको अपॉर्चुनिटी देता है मोदी केयर के आप मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए मेकअप आर्टिस्ट बन जाए. तो ट्राई दिस ट्रिक. सिर्फ क्या किया हमने, कलर्ड पेंसिल ली, और ये एक बफिंग ब्रश है, आप देखिए तो ये बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश है, इसे ले लें और अपना हाइलाइटर एंड कॉन्टोर जितना आप यूज करेंगे उतना आप क्रिएटिव लुक दे सकते हैं. तो अभी मैंने ब्राउन शेड यूज किया था, नाउ मैं नेक्स्ट जो यूज कर रही हूँ कलर, इसमें जो लाइट शेड आप देख रहे हैं, दिस इसे हम कहते हैं हाइलाइटर. तो फिंगर पे लेकर प्रोडक्ट हाइलाइटर, आपने आपकी जो ये ब्राउ बोन है दिस, सिर्फ यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को प्लेस कर रही हूँ, पूरा नहीं लगा रहे, सिर्फ आपने कॉर्नर्स ब्राउ मिड जो ब्राउ बोन है दस यहां से आउटसाइड प्रोडक्ट को अप्लाई करना है. तो आप एक ब्रश से भी यूज कर सकते हैं और सिंपली फिंगर से आप प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं. तो स्पीड फिनिशिंग वो दोनों तरीके से बहुत अच्छी आती है, इससे आपकी ब्राउ की जो बोन है वो अपलिफ्ट हो जाती है और आपकी आईज और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है. तो हमारा आई शेडो एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है. नाउ अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा ग्लैमर, और ग्लैमर के लिए वी हैव द स्टारडस्ट आई शेडो. जिनकी आईज पे बहुत ज्यादा रिंकल्स, बहुत ज्यादा फाइन लाइंस है, बहुत पतली आईज होती हैं, तो आप बहुत ज्यादा क्रीमी और रबिंग ना करें आईज पे, कोशिश करें कि आप सिंपल मेकअप यूज करें. तो हमारे पास 5 शेड्स है स्टारडस्ट आई शेडो के, और ये जो आई शेडोज है आपको स्पार्कल फॉर्म में मिलते हैं और क्रीमी बेस है. तो ये जब आप अप्लाई करते हैं अपनी लिड पे ये ड्राई हो जाता है, पिगमेंट्स अगर आप देखें, सो दिस इज ये कलर है, और इसको मैं अपनी फिंगर से ही जस्ट आई के मिड लिड पे अप्लाई कर रही हूँ. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बस इसे लगाएं, थोड़ा सा ड्राई होने दें, जितनी जल्दी ये ड्राई होता है इसके पिगमेंट्स उतने ही ब्यूटीफुली आपके आईज पर दिखेंगे. लेट मी शो यू द इफेक्ट. द आई लाइनर
और आई शेडो का जो कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं उसका रिजल्ट कैसा। अच्छी दिखेगी, फीचर्स और अच्छे इनहांस हो जाते हैं, आईज और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और ब्राइडल सीजन शुरू होने वाला है दिसंबर से, तो आपके लिए तो ये मेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्राइडल की हमेशा जो प्रेफरेंस होती है वो गोल्ड ग्लिटर्स ज्यादा रहता है। तो ये दो कलर आप अपने किट में जरूर ऐड करें। शेड दोनों बता देती हूँ, वन हमारी इंटेंस कलर आई पेंसिल जिसका मैंने गोल्ड शेड यूज किया है, एंड इसी तरह हमारे आई शेडो का जो ये शेड है, दिस इज आपको शेड नंबर यहाँ पे दिखेगा, दिस इज नंबर 2 मैजिक टच। तो ये हमारे क्रीमी आई शेडो स्टार डस्ट आई शेडो या डन विद आई शेडो। अब हम यूज करेंगे इसमें कलर पेंसिल, बट मैं सिंपली ले रही हूँ क्योंकि गोल्ड के साथ ब्लैक बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना लिक्विड आईलाइनर। तो जब भी आप आईलाइनर यूज करते हैं आप आउटर साइड से अपने आईलाइनर को एक डिफाइंड शेप दें। तो ये मैं यूज कर रही हूँ हमारी लिक्विड आईलाइनर जो कि एक स्मूथ फिनिश के साथ है। दो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, वन मैट, तो अगर आपकी आईलिड बहुत ज्यादा ऑयली है और आपकी आई मेकअप जल्दी स्मज हो जाता है तो ऑलवेज चूज मैट आईलाइनर, जिससे कि आपका मेकअप लंबे समय तक स्टे करेगा, खास करके जब ह्यूमिड सीजन होता है या गर्मियों के मौसम की बात करें तो ऐसे में हम मेकअप जल्दी हमारा निकल जाता है, स्मच हो जाता है। तो आपके लिए मैट आईलाइनर दी बेस्ट मेकअप है। बट अगर आप अभी वेडिंग लुक में या पार्टी मेकअप के लिए रेडी हो रहे तो अभी आप हमारा जो न्यू लॉन्च है लिक्विड आईलाइनर वो आप यूज कर सकते हैं, विद शाइन मिलता है आपको। नाउ नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। सो मस्कारा हमारा एक और बेस्ट मस्कारा है, आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी देखें सो ये मस्कारा डुअल फंक्शन के साथ है जो आपके लैशेस को एक अच्छा वॉल्यूम ऐड करता है और आपके लैशेस को लेंथ भी प्रोवाइड करता है। सो इफ यू सी द डिफरेंस बोथ द आई, आपके आई जो है, तो कुछ लोग लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे रिकन्फर्म कर दे, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मैं मोडेबल है बट बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है, जैसे आप कैमरे से दूर हो रहे हैं ना थोड़ा सा, तो आवाज कम आ रही है। चलिए आज थोड़ा एप्लीकेशन है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट आप एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो शायद आपका मेकअप आप और अच्छा कर पाएंगे। सो ये जो मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ, मुझे स्पेशली इस मस्कारे की सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि आपकी जब लैशेस को आप कलर करते हैं तो वो जो लैशेस में लम्स बन जाते हैं, कई बार लैशेस इकट्ठी हो जाती है, वॉल्यूम अच्छा नहीं आता, री एप्लीकेशन करनी पड़ती है, इसकी वन एप्लीकेशन से आपके आईज को लैशेस को एक अच्छा वॉल्यूम और लेंथ दोनों ही मिल जाते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो ब्रश है इट्स सो गुड एप्लीकेटर जिससे प्रोफेशनल्स भी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे काजल। तो काजल लगाने से पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ दिस कलर्ड पेंसिल और इसे वाटर लाइन के नीचे यूज कर रही इसके साथ साथ इसे वॉटर लाइन को फिल करने के लिए अप्लाई करें स्टेरी आई काजल।
वी आर ऑलमोस्ट डन विद आई मेकअप। बस इसमें आईब्रो की नीड नहीं है क्योंकि आईब्रोज ऑलरेडी काफी अच्छे शेप है, बट आप इसको स्पूली से अपनी आईब्रोज को ग्रो कर सकते हैं। सो पास मी दैट आईब्रो गुड। तो अगर आपकी बहुत लाइट आईब्रोज है आप अपने लिए यूज कर सकते हैं दिस आईब्रो किट, डिफाइन किट। इसमें आपको टूल्स भी प्रोवाइडेड है। सो ये स्पूली है जिससे मैं सिर्फ थोड़ा सा वैक्स ऐड करके, कलर की नीड नहीं है तो आप सिर्फ होल्ड करने के लिए अपनी आईब्रो को ब्रश करो। इससे आपकी आईब्रोज को एक अच्छी शेप भी मिलती है और डिफाइन और नीट लगती है हमारी आईब्रोज। ओके सो वी आर डन विद आई मेकअप। अब हम अप्लाई करेंगे लिप कलर। सो लिप के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे लिप लाइनर, दिस इज शेड नंबर 5 हॉट पिंक। ये जो लिप लाइनर्स है ये आपकी क्रीमी टेक्सचर के साथ है बट ये मैट लिपस्टिक्स है तो लगाने में भी काफी स्मूथ है और ये शाइन फ्री है, तो स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसके पिगमेंट्स, इसकी इंटेंसिटी इतनी अच्छी है कि आप इसे एज लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आउटलाइनिंग करके इसे जस्ट फिल कर दिया है एंड इसके बाद जो शेड मैं यूज कर रही हूँ ये हमारी इरेस्टेबल लिपस्टिक रोज ऑल डे एंड इसके साथ साथ एक और पिंक, बहुत ही प्यारा शेड है, यस गर्ल। सो वी हैव टू डिफरेंट शेड्स, मैं भी यूज कर रही हूँ शेड नंबर 8। तो इरेसिस्टिबल लिपस्टिक मैट फिनिश के साथ है बट मोर क्रीमी। कई बार मैट लिपस्टिक यूज करने से लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई लगते हैं और आपके लिप का मॉइस्चर बहुत जल्दी निकल जाता है, सो आप इसमें मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए और मैट फिनिश के लिए इरेस्टेबल लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। इसमें 12 आपको शेड्स मिलते हैं, डिफरेंट कलर्स, बहुत ही पॉपिंग शेड्स हैं, न्यूड्स अवेलेबल है एंड इसका शेड नंबर 7 बॉसी, दैट्स अ वेरी प्रिटी कलर। इसके बाद अप्लाई करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट है ये पूरे बेस का। हाइलाइटर को फिर से यूज करेंगे एंड कंटूर। सो हाइलाइटर कंटूर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये ब्राउन शेड पहले कंटूरिंग के लिए। सो कंटूर करने के लिए ये जो हमारा दिस मिडल यहाँ पे होलो बनता है यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है ताकि आपके फेस पर एक शेप आ सके। कलर ले एंड जस्ट आप इस तरह से शेड लेकर इसे ब्रश कर दें और सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि हम ब्लेंडर ज्यादा यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट ले दस फिंगर से ही डायरेक्ट लेके आप अप्लाई करें और इसे ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर से अपवर्ड एंड प्रेस एंड रिलीज। सिर्फ हल्का सा आपको अपवर्ड मोशन में इसे टैप टैप करके प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। फेस का ये जो जॉ लाइन है इसे शार्प लुक देने के लिए इस और इसे हम डाउनवर्ड एप्लीकेशन के साथ अच्छे से ब्लेंड करते हैं ताकि वो कलर विजिबल नहीं होना चाहिए और इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत स्मूथ हो जाए। तो यहाँ दोनों साइड अगर देखें तो दिस साइड एंड दिस साइड इसमें आपको काफी डिफरेंस दिखेगा, ये बिल्कुल एक हल्की सी शेप आ गई है, स्किन अपलिफ्ट हो रही है एंड ये बिल्कुल फ्लैट है। तो आप एक अच्छी शेप अपनी क्रिएट कर सकते हैं विद कंटूर एंड हाइलाइटर और पाउडर को यूज करना काफी इजी होता है। जिन्हें बिल्कुल भी अभी तक जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया था उसके साथ, तो आप सिर्फ ब्यूटी स्पंज से अपवर्ड और हल्का सा ब्लेंड करें, बहुत ज्यादा कलर ना लें। इफ यू फील की नीड है तो आप बीच बीच में कलर ऐड कर सकते हैं, स्पेशली जिनकी चीक्स बहुत ज्यादा हैवी होते हैं
आपको चबी चीक्स मिल रहे हैं तो आप उस पे कॉन्टोर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो वी आर डन, अब हल्की सा नोज पे कॉन्टोरिंग करेंगे। तो प्रोडक्ट ले ऐसे, इसको फिंगर पे इस तरह से रब करें एंड जस्ट साइड ऑफ द नोज कलर करें। अब हम हाइलाइटर यूज करें ब्रिज ऑफ द नोज। ओके, सो वी आर डन विद कंप्लीट मेकअप लुक, जिसमें अपने बहुत जल्दी जल्दी में एक क्विक मेकअप लुक भी है जो आप भी क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल रेडी है और काफी लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं तो मैं मॉडल को फ्री कर देती हूँ, बट आप फिर भी चैट बॉक्स में जरूर लिखे कि आपको ओवरऑल मेकअप जल्दी वाला मेकअप कैसा लगा, क्योंकि मेरी मॉडल को थोड़ा सा जल्दी है तो मैं कोशिश करी हूँ टाइम से उनको फ्री कर दूँ। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, कभी हमें किसी मीटिंग में जाना है, कभी आपको किसी इवेंट के लिए रेडी होना है और टाइम बहुत कम है आपके पास, तो ऐसे झटपट वाला मेकअप जो है वो आप अर्बन कलर लंदन रेंज से पूरी तरह से कंप्लीटली कर सकते हैं। तो थम्स अप मिल रहे हैं, लवली मेकअप, थैंक यू। तो कंचन लोगों को आप बहुत अच्छी लग रही हो विद मेकअप, थैंक यू सो मच आज की मॉडल बनने के लिए। तो एक बार फिर थर्ड ट्विस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो कंचन जी, थैंक यू सो वेरी मच। मैम थैंक यू, बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू मैम, थैंक यू कंचन, थैंक यू एंड प्लीज टेक केयर। थैंक यू मैम, मुझे आपको प्लीज चेक कर देना आप। ओके, तो ये जल्दी जल्दी वाला मेकअप हमने किया है क्योंकि जब करवा स्पेशल है और दिवाली का सीजन है, रोज कुछ ना कुछ इवेंट्स आएंगे। अभी नवरात्रे गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अर्बन कलर मेकअप्स की लुक्स शेयर किए हैं, दुर्गा पूजा स्पेशली, नवरात्रि स्पेशली लुक्स शेयर किए हैं, तो बहुत ही अमेजिंग एक रिजल्ट दिखता है प्रोडक्ट का और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब करते हैं। और जब ऐसा मेकअप करके जब आप जाते हैं और लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं कौन सा मेकअप यूज किया है, फिर इस शेयरिंग से हमारा बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, चलिए उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैं जब भी आती हूँ मेरा यह मानना है कि अगर मैंने अपना प्रोडक्ट दिखाया और दिखाने के बाद अगर प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई तो फिर मजा नहीं है। तो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी जो दिखता है वो बिकता है, तो इसीलिए जितना आप अपना प्रोडक्ट अपने सेल्फ यूज की हेल्प से लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट प्रमोट होगा। और उस प्रमोशन पे, उस शेयरिंग पे हमें क्या मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं इस महीने के ऑफर्स कि इस महीने हमें क्या क्या स्पेशल ऑफर्स कंपनी दे रही है जिसका यूज करते हुए हम अपने बास्केट साइज को बिल्ड कर सकते हैं और इन ऑफर्स के फ्री प्रोडक्ट्स को हम कैसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो पूजा स्पेशल टाइम है, दुर्गा पूजा जा चुकी है, नवरात्रे कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपके लिए आने वाला है बहुत ही बड़ा फेस्टिवल। इंडिया के लिए तो ये बहुत ही बिग फेस्टिवल है दिवाली पूजा, जिसमें हम हर चीज पे ज्यादा छोटी छोटी बारीकियों पे फोकस करते हैं। तो यस, अपनी ब्यूटी में बिल्कुल भी कमी मत आने दो, इसके लिए आप अर्बन कलर की मेकअप किट पे ज्यादा फोकस करें। तो क्या वो 5 से 6 प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं जिससे हम अपना क्विक मेकअप लुक ऐड करें? तो देखिए, आज मैंने बहुत कुछ शेयर किया है बट लेट मी टेल यू, जब आप मेकअप करते हैं एक प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपकी किट में मिस नहीं होना चाहिए, दैट इज इल्यूमिनेटिंग लोशन। ये आप अपने किट में जरूर ऐड करें जिससे आप एक ग्लैम, आजकल बहुत ट्रेंड में है ग्लास मेकअप लुक, बहुत लोग डिमांड करते हैं कि हमें ग्लास मेकअप लुक चाहिए। ग्लास मेकअप क्या है? इट्स अ ग्लोइंग मेकअप, जो एक हेल्दी ग्लो आप विद मेकअप अपना कैरी कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प करता है। जैसे मैंने आज कंचन पे भी जब मेकअप बेस मैं अप्लाई कर रही थी तो फाउंडेशन में इसे मिक्स करके यूज किया है। आप इसे हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हैं, आप इसे बेस की तरह यूज कर सकते हैं, तो इसे अपने किट में जरूर ऐड करें। अनदर सेकंड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, एक अच्छा फाउंडेशन। तो वी हैव टू डिफरेंट फाउंडेशंस, अगर आपको हाइड्रा मैट यूज करना आप हाइड्रा मैट कर सकते हैं लाइट कवरेज के लिए, आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप एक्सपर्ट फॉर्म फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ऑल्सो
अगर क्विक मेकअप करना है, जल्दी वाला झटपट मेकअप, तो कंसीलर स्टिक तो बिल्कुल मत भूलना। ये आपके फ्लॉस को भी कंसील करेगा और साथ ही साथ आपकी पूरे बेस के लिए ये एक बेस्ट मेकअप है। तो मैं आजकल क्विक मेकअप में प्रेफर करती हूँ 3-in-1 दिस कंसीलर स्टिक, जो एक 3-in-1 मेकअप हमारा पहले आता था उसी का ही ये न्यू रीलॉन्च हमने किया है, न्यू पैकेजिंग के साथ, न्यू फॉर्मुलेशन के साथ और ज्यादा अच्छी कवरेज के साथ। 4 डिफरेंट शेड्स में आपको मिल रहा है, तो इजी टू यूज है। ट्विस्ट करो, ओपन करो, जितना नीड है उतना रोटेट करके अप्लाई करो, एंड फिर से इसे हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन रहती है इसे। और इसके लिए ब्लेंडर बहुत जरूरी है, तो ब्लेंडर बिल्कुल स्किप नहीं करना। और सिर्फ फीमेल ही क्यों करे मेकअप, लड़कों के लिए भी तो फेस्टिवल है, तो वो क्यों ना करे। तो आपके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप अपने मेकअप में प्राइमर तो जरूर ऐड करें, और इसके साथ साथ आप इल्यूमिनेटिंग लोशन को भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा ग्लिटर वाला लुक नहीं देगा, बिल्कुल हल्की सी शाइन आपके चेहरे पे आती है। तो मेन ऑल्सो कैन ट्राई प्राइमर, एंड आप इसके साथ साथ लेडीज के लिए लिपस्टिक, तो फेस्टिवल सीजन में रेड लिपस्टिक ऑल टाइम फेवरेट होती है, तो आप कोई भी रेड लिपस्टिक कर सकते हैं। जैसे कौन सा शेड चाहिए, तो लव मी मैट में रेड सायरन बहुत अच्छा कलर है, नंबर 3। और अगर आप रिस्टेबल लिपस्टिक लेना चाहते हैं, मुझे ये दो तो बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती हैं। अभी भी मैंने जो शेड यूज किया, इरिस्टेबल शेड यूज किया है नंबर 7, इसका जो शेड है बॉसी, तो आपको यहाँ पे शेड कोड नजर आ जाएगा बिल्कुल, तो ये आप ऐड जरूर करें। वन लिपस्टिक, प्राइमर, इल्यूमिनेटिंग लोशन, फाउंडेशन और कंसीलर स्टिक, और इसके साथ साथ काजल, मस्कारा और आई शेडो करना है तो स्टारडस्ट आई शेडो। इतने सारे मेकअप में तो 1599 तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 1599 में मिलेगा क्या? तो इस महीने 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, मतलब मंथ एंड तक, आपको स्पेशल ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप 1599 की शॉपिंग करते हैं तो आपको कंपनी दे रही है टिंटेड लिप बाम और एक काजल, जिसको अगर मैं बात करूं, जैसे फ्री प्रोडक्ट्स है, हम सब फ्री प्रोडक्ट्स को क्या करने लग गए हैं, आप अपनी होम मीटिंग्स में इनको डेमो के लिए यूज करने लगे हैं। आई एम श्योर आप सब भी ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोग थे जो अभी तक फ्री प्रोडक्ट्स को खुद यूज करके अपने पे ही सारा फायदा लेते हैं, फिर कहते हैं हमारी लॉयल्टी नहीं बनती है, शेयरिंग नहीं बढ़ रही है, लोग नहीं मिल रहे हैं। तो लोग कहाँ से मिलेंगे जब आप सेल्फ यूज करोगे। सो कोशिश करें कि इन फ्री प्रोडक्ट्स को, काजल इंडिया में हर कोई यूज करता है, लड़की को काजल की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि दी बेस्ट काजल क्या है। क्या वो वाटर प्रूफ है, क्या वो स्मच प्रूफ है, क्या वो ब्लैक, बिल्कुल जेड ब्लैक काजल है, तो लड़कियां जरूर पसंद करती हैं ऐसे काजल को, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। कितने में मिल रहा है आपको ये काजल? तो इसकी कॉस्ट वैसे डीपी प्राइस है 209, बीवीज पे आपको मिलता है 125.22 और पीवी मिलता है 4.49, जो इजिली कोई भी परचेस कर लेगा। लेकिन इस महीने आपको ये काजल बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है, जस्ट DP ₹1 में। और इसके साथ क्या मिल रहा है, अगर आप 1599 की शॉपिंग करते हैं तो आपको टिंटेड लिप बाम इस महीने ऑफर में मिल रहा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट सिर्फ DP ₹1 में आप ले सकते हैं। और देखो, लिप बाम भी ऐसा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे मेल फीमेल हर किसी को इसकी जरूरत होती है। विंटर्स आ रहे हैं, लिप्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, रिंकल्स दिखते हैं, लिप्स चैप होने लगते हैं, तो आपके लिप्स के मॉइस्चर के रिटेंशन के लिए आप लिप बाम यूज कर सकते हैं। एंड इसमें अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा ऐड करती हूँ अपना बिजनेस वाला तड़का, तो अगर आप काजल और लिप बाम जो इस महीने आपको मिल रहे हैं ऑफर में, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ती है, ये दोनों प्रोडक्ट, काजल 209 का और लिप बाम 173 का आपको मिलता है, ये दोनों प्रोडक्ट इस महीने DP ₹1 पे मिल रहे हैं, तो इसकी टोटल कॉस्ट वैसे बनती है 382 रुपीज, जो आपको सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा है। और इस पे आपको पीवी मिल रहा है 8.34 फ्री प्रोडक्ट का। तो ये अभी आपको ऑफर में तो नहीं मिलेगा पीवी, लेकिन हाँ आप इसके पीवी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो अगर आप काजल और लिप बाम अपनी हर छोटी छोटी मीटिंग्स में, 1-on-1 में अगर इसका आपने डेमो दिखाया, तो आप 100 लोगों के साथ ये डेमो शेयर कर सकते हैं। नॉट जस्ट 50, नॉट जस्ट 60, 100 लोगों के साथ अगर आपने ये डेमो शेयर कर दिया और सबका ऑर्डर आ गया, तो 8 PV गुना 100, 800 PV का बिजनेस इस महीने पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा सिर्फ फ्री प्रोडक्ट से। सो टेल मी, हाउ इज द आइडिया, कर सकते हैं हम सब, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। इजी है, डुप्लीकेबल है, आई थिंक सबके लिए डुप्लीकेबल है, राइट?
कर सकते हैं। तो मतलब आपके कमेंट्स ने बता दिया, तो आप जल्दी से 1599 का किट बनाओ, फ्री प्रोडक्ट्स का बेनिफिट लो। 100 लोगों को आपने टारगेट करना है कि आपके ये काजल और लिप बाम हर घर में जाए, और जिस घर में मोदी केयर का काजल और लिप बाम पहुंच गया, अर्बन कलर आराम से बिक जाएगा। और 800, मतलब एक डायरेक्टर बनने के लिए सिर्फ 400 तो कम पड़ रहे हैं। एक और ले लेते हैं किट, एक और किट मिल जाएगा, तो हम डायरेक्टर सिर्फ 1200 वाला नहीं बनोगे आप, 1600 PV वाला डायरेक्टर बन जाओगे। और जितना ज्यादा पीवी, जितना ज्यादा बीवी, उतना ज्यादा कैश इनकम आपको मिलेगी, बाइक बोनस आपको मिलेगा। तो बहुत सारे बोनसेस हैं, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, ज्वाइनिंग्स 100 आपके डेमोज नहीं है, ये 100 ज्वाइनिंग आपकी बन सकती है, जिस सिर्फ काजल और लिप बाम से आप शुरू कर सकते हो। ट्राई दिस आइडिया, आई एम श्योर दिस आइडिया विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस, बट उससे पहले फटाफट एक ऑफर भी देख लेते हैं झलक, कि और क्या क्या ऑफर्स हैं। तो और नेक्स्ट जो ऑफर आपको मिल रहा है इस महीने, इफ यू बाय एनी टू प्रोवाइड स्किन केयर, आपको मोरक्कन आर्गन ऑयल का क्लेंजर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अरे एक और आइडिया मिल गया, इससे 8 PV इससे भी बन जाएंगे आपके आराम से। 400 रुपए का प्रोडक्ट है, 8 PV आराम से मिलते हैं, 800 लोग और तैयार हो गए, डायरेक्टर तो आप इसी महीने में बन जाओगे दूसरे ऑफर से। ग्रेट, दैट्स अ वेरी बेस्ट डील आई थिंक। नेक्स्ट ऑफर है, इफ यू बाय बीबी क्रीम एंड यूवी फेयरनेस पाउडर, तो आपको मिल रहा है श्लोका का प्योरीफाइंग नीम एंड गोटू कोला फेस वॉश, जस्ट एट ₹1। लिप बाम पे एक और स्पेशल ऑफर आ गया, अभी तो फ्री में मिल रहा था, अब डेमो से आप लिप बाम का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। दो लिप बाम ₹149 पर ईच मिल रहा है। नेक्स्ट ऑफर, आपके एसेंशियल फुट केयर क्रीम और आपके नेल फाइलर, जो कि फुट क्रीम परचेज करने पे आपको नेल फाइलर ऑलमोस्ट 2 नेल फाइलर पे आपको फुट क्रीम मिल रही है एट ₹1। और सिंदूर टाइम है, फेस्टिवल टाइम है, सिंदूर आपको मिल रहा है एनी 2 सिंदूर एट ₹75 ईच। नेल लाकर्स 2 एट ₹99 ईच। और इस महीने का सबसे बड़ा ऑफर, प्रो वाइट का फ्रेश रेडियंस डे लोशन विद SPF 15, अगर आप ले रहे हैं तो सेकेंड यू बाय वन सेकेंड आपको ऑलमोस्ट ₹1 पे मिल रहा है। अरे दिस इज आई थिंक दिस द बेस्ट ऑफर। और प्रो वाइट के लिए तो यूजर्स तैयार रहते हैं हमेशा, आपको बस पिगमेंटेशन वाली स्किन को पकड़ना है। पिगमेंटेशन वाली स्किन मिल गई तो आपका प्रो वाइट का बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। सो ट्राई ऑल दीज ऑफर्स, आई होप जिन्होंने अभी तक ऑफर्स को एक झलक भी नहीं दी है, अब आपको ऑफर्स बहुत अच्छा लगेगा, और इन ऑफर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें, और अपने फ्री प्रोडक्ट्स को अपने बिजनेस में, अपनी ज्वाइनिंग्स पे ज्यादा उसको शेयर करें, डुप्लीकेट करें, इम्प्लीमेंट करें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज की ट्रेनिंग, आज का डेमो, आपका फेस्टिव मेकअप लुक आपको पसंद आया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, चैट बॉक्स में, और तब तक मैं हैंड ओवर करती हूँ आज मैम को। सो मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में, आज के इस डेमो को शेयर करने में। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं एक ही बात कहूंगी यहाँ पे, वाओ 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 एंड वाओ, मतलब कहते हैं ना वाओ लुक जो हमारा देता है, और हमारा बिजनेस के भी कितनी अच्छी तरह से इन्होंने डिफाइन किया है यहाँ पर, कि कैसे हम ऑफर्स को यूज करके अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। और लिटरली इसमें से 2 ऑफर मैंने अपने अपने ऊपर यूज किए हुए हैं। जो हमारा क्लींजर है जो फ्री मिल रहा है, उसको क्लींजर को कोई भी किसी के साथ भी आप बैठे हो, सिर्फ क्लींजर से फेस वॉश उनका करा के देखो, उसका ऑर्डर जो है बड़े बड़े साथ के साथ मिल जाता है। थैंक यू सो वेरी मच पिंकी मैम। एंड कंचन मैम बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और पिंकी मैम ने सारा का सारा जो डेमो किया वो 35 मिनट के अंदर किया, और सोचिए उसके साथ साथ वो डिफाइन कर रही थी ये जो पूरा मेकअप है, यदि हम आप अपने आप ऊपर करते हैं खुद पर, तो 15-10 से 12 मिनट में बड़े आराम से कर लेते हैं। और यही मेकअप सीखने के लिए, सेल्फ मेकअप सीखने के लिए यदि आप जाते हो किसी पार्लर में, फ्रेंड्स वहां पर 1200-1500 रुपए आपको सिर्फ एक मेकअप सिखाने के लिए लेते हैं, और उसमें भी प्रैक्टिस आपकी, सामान आपका, पूरी चीज आपकी, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी पिंकी अंसारी, उन्होंने सिखाया मोदी केयर के प्रोडक्ट के साथ खूबसूरत भी हो सकते हैं हम लोग, और हमारा वेल्थ भी अच्छी बढ़ सकती है, और स्किन भी हमारी और ज्यादा किससे ज्यादा ग्लो हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। कल के लिए बात करें, कल है सैटरडे, और कमांडो ट्रेनिंग का हमारा अनदर डे, जहां पर हम सीखेंगे बोनस कैलकुलेशन। आज हमने सीखा कि कैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट से हम सुंदर लग सकते हैं,
और वही प्रोडक्ट से जब हम सुंदर लगते हैं तो कैसे हमारी बोनस कैलकुलेशन होती है, कैसे हम गाड़ियां, घर और सारी चीजें खरीद सकते हैं, कल बताने वाले हैं हरप्रीत सिंह जी और उनकी टीम। जरूर अपनी टीम के साथ आइएगा, अकेले जरूर आइए लेकिन टीम को साथ में लेकर के आए, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो टीम का बिजनेस है फ्रेंड्स। आप सीखेंगे, आपकी टीम सीखेंगी, आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करती हूँ कि आपके जितने भी त्योहार है वो बहुत खूबसूरत जाएं और ऐसे ही मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप भी आगे बढ़ते चले जाएं, सफल होते चले जाएं। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल।